गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एमबीएन ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, ये आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लास फर्स्ट है और इसमें आज हम नया चैप्टर 16 प्रीपोजिशन पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है, इसको हम कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, इसमें किन वर्ड्स का यूज होता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि प्रीपोजिशन में ऑन, एट, अंडर, ओवर इस तरह के वर्ड यूज किए जाते हैं, तो उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। और सी प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो दूसरे वस्तुओं के साथ जुड़ता है और ये दर्शाता है कि वे एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। जैसे है, माय बुक इज ऑन द टेबल, यानी आप भी कहिए माय बैग इज ऑन द टेबल, यानी कि मेरा बैग जो है वो टेबल पर है, ऑन लगा हुआ है। तो बैग का संबंध टेबल के साथ दर्शा रहा है, ऑन लगा रहा है इसमें, तो इसलिए यहाँ इसको हम ऐसे समझेंगे। फिर है कि प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर उसका जो संबंध है वो वाक्य के किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रकट करता है। मेन उसका जो उद्देश्य निकल के आता है वो ये है कि प्रीपोजिशन जो है वो जो भी इसके सेंटेंस हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और उनका जो भी संबंध हो, जिस भी वस्तु या व्यक्ति के साथ जो भी संबंध होता है उससे वो क्या है, वो ये दर्शाता है कि ये एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। आइए इसकी डिफिनेशन देखते हैं, डिफिनेशन परिभाषा देखते हैं कि प्रीपोजिशन की परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले आप प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शो अ रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन। प्रीपोजिशन जो शब्द है वो ये दर्शाता है कि नाउन नाउन और प्रोनाउन के मध्य जो बीच का संबंध है, बीच का संबंध है वो प्रकट करता है। एंड सम अदर या अन्य वर्ड्स के साथ, अन्य शब्दों के साथ इन द सेंटेंस, वाक्य में अन्य संबंध, अन्य वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच जो मध्य संबंध होता है उसको प्रकट करता है। तो ये हमारी नाउन की परिभाषा हो गई, डिफिनेशन हो गई। आइए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने कुछ वर्ड दिए हैं, जैसे अंडर है, इन है, ऑन है, ओवर है, नियर है, बाय है, विल, यानी कि ये वर्ड ऐसे हैं जो एक दूसरे के संबंध को प्रकट करते हैं। किस प्रकार प्रकट करते हैं, आइए आप एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। सेंटेंस के द्वारा, माय बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि मेरी बुक कहाँ है, टेबल पर है। तो इसमें ऑन जो है, ऑन शब्द का प्रयोग किया गया है कि जिसके माध्यम से हम बुक, किताब और मेज का संबंध प्रकट हो रहा है। फिर ऐसे राज इज एट होम, राज घर पर है, यानी राज घर पर है, एट माने पर, तो राज घर पर है। एट शब्द, एट वर्ड बनने से ये प्रकट हो रहा है कि राज जो है वो घर पर है। फिर ही इज राइटिंग अ लेटर विद पेन, क्या है वो पेन से, यानी पेन के साथ या पेन से, वे पेन से पत्र लिख रहा है, यानी कि पेन और पत्र का संबंध जो है वो किससे प्रकट हो रहा है, विद वर्ड से। ये विद वर्ड दिया गया है, इससे प्रकट हो रहा है कि पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है। तो पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है, पेन के द्वारा, यानी पेन के माध्यम से लिखा जा रहा है। तो इसमें पत्र का जो संबंध है वो पेन के माध्यम से
that so our relationship between a noun, pronoun and some other words in the sentence. यानी कि इसमें क्या है कि वह शब्द जो noun या pronoun या verb से पहले आकर उसका संबंध जो है वो वाक्य के किसी भी शब्द के साथ जोड़ता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। एक बार फिर समझिए, वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन या वर्ब से पहले आकर उसका संबंध जो है वो किसी अन्य वर्ड के साथ जोड़ता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। तो बच्चों ये आपकी डेफिनेशन थी और ये आपका जो है डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है इसको आपको याद करना है और याद करके इसको लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी है। आप आगे पढ़ते हैं, आपकी किताब में क्या हमको बताया गया है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट ऑन द थीम विद एन अदर शोइंग हाउ दे आर रिलेटेड। मतलब प्रीपोजिशन वर्ड जो है वो हमको ये बताता है कि दूसरी वस्तुओं या अन्य वस्तुओं के साथ वे कैसे एक दूसरे से संबंध को जोड़ता है, ये कनेक्ट होते हैं या जोड़ते हैं ये दर्शाता है। सम प्रीपोजिशन टेल यू अबाउट पोजिशन और प्लेस। यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन के एग्जांपल जो हैं वो आपको उनकी पोजिशन और प्लेस के विषय में दर्शा रहे हैं कि कैसे वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आइए, माय बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि मेरी बुक किस पे रखी है, टेबल पर, मेज पर रखी है। यहाँ पर ऑन पर का यूज किया गया है तभी बुक और मेज का जो संबंध है वो ऑन के माध्यम से प्रकट हो रहा है। द कैट इज अंडर द बेंच, बिल्ली कहाँ पर बैठी है, बिल्ली जो है वो बेंच के नीचे बैठी है। इसमें अंडरवर्ड का यूज हुआ है इसलिए इसमें बिल्ली और बेंच के संबंध को हम अंडर शब्द के माध्यम से समझेंगे। रॉकी माय डॉग, रॉकी मेरा कुत्ता जंप्स ओवर द वॉल, वो कहाँ से कूद रहा है, वो दीवार को जंप कर रहा है, दीवार छप्पे छलांग लगा रहा है। I go to school at 8:00. मैं 8 बजे स्कूल जाता हूँ। The sparrow is near the parrot. Sparrow means चिड़िया। Sparrow क्या लिखा है? The sparrow is near. Sparrow यानी चिड़िया जो है वो तोते के निकट, near माने होता है निकट या पास, निकट यानी पास में बैठी है। तो इसने तोते और चिड़िया के मध्य जो है वो संबंध नियर वर्ड को लगाने से प्रकट हो रहा है कि वो एक दूसरे से उसको जोड़ रहा है कि तोता जो है वो चिड़िया के पास है और चिड़िया भी तोते के पास है। तो बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना, जो भी आपको समझ में नहीं आएगा मंडे को हम लाइव क्लास लेंगे और उसमें हम एक बार फिर इसको, इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। आप इसको ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। इसकी एक्सरसाइज को आपको जो हम भेजेंगे तो बुक में भी फिल करनी है और कॉपी पर भी, फेयर कॉपी पर करना है जिसमें एप्पल का साइन बना हुआ है, यानी जिस कॉपी पर एप्पल का चित्र बना हुआ है उस कॉपी में आपको चैप्टर 16 डाल करके, प्रीपोजिशन डाल करके आपको उसकी एक्सरसाइज करनी है।